जोंग-उन दुनिया का एक ऐसा तानाशाह है जिसके बारे में हर रोज दुनिया का मीडिया कुछ ना कुछ लिखता ही रहता है। वो एक ऐसा सनकी तानाशाह है जो कब क्या कर ले ये कोई नहीं जानता। किम जोंग के 20 दिन गायब रहने के दौरान ये कयास लगाए जा रहे थे कि अब उत्तर कोरिया का अगला उत्तराधिकारी कौन होगा। वैसे तो कई नाम दुनिया की मीडिया में तैर रहे थे, लेकिन एक नाम ऐसा था जो इस तख्त पर बैठने के बिल्कुल सही था। क्या कहें कि सही थी? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की बहन किम यू सुन। जो देखने में तो बला की खूबसूरत है ही, लेकिन दोस्तों आप उनकी सूरत से मत जाना, क्योंकि वो भी किम जोंग की तरह जाली है। माना जा रहा है कि अगर किम जोंग उन की मौत होती है तो किम यू जोंग को देश का मुख्य लीडर बनाया जा सकता है। खास बात यह कि अगर ऐसा हुआ किम यू जोंग दुनिया की पहली महिला तानाशाह होगी, खासकर दुनिया भर की मीडिया में इसे लेकर काफी चर्चा है। कुछ लोग कहां उन्हें झूठ बता रहे हैं तो कईयों का कहना है कि वो किम जोंग उन से भी ज्यादा खूनी है। दोस्तों आप लोग जानते ही होंगे कि उत्तर कोरिया में किम जोंग ने कितने सख्त नियम बना रखे हैं। इन नियमों की पालना ना करने वाले को कड़ी सजा दी जाती है। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि किम के बनाए नियमों का पालन उसकी बहन को भी करना पड़ता है। आज हम आप लोगों को इन्हीं नियमों के बारे में बताएंगे जो ना चाह कर भी किम यू जोंग को निभाने पड़ते हैं। उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उनकी छोटी बहन किम यू जोंग को दुनिया भर के देश किम के बाद सबसे ताकतवर महिला मानते हैं। किम की बहन उत्तर कोरिया में कई अहम पदों पर बैठी है। वो रूलिंग वर्कर्स पार्टी की सेंट्रल कमेटी के वाइस डायरेक्टर है। इसके साथ ही वो अनऑफिशियली अपने भाई के लिए बतौर चीफ ऑफ स्टाफ की तरह काम करती हैं। किम जोंग जिस भी अहम मीटिंग या बैठक में जाते हैं उस बैठक में किम की बहन जरूर मौजूद रहती है। इस बात से जाहिर होता है कि वो अपने भाई के लिए कितनी अहमियत रखती है। हालांकि इसके बावजूद भी किम यू जोंग कई ऐसे नियमों का पालन करना पड़ता है जो देश में सभी के लिए है। किम की बहन इन नियमों को हर मीटिंग या पब्लिक अपीयरेंस में फॉलो करती नजर आती है। उत्तर कोरिया के नियमों का पालन करती है किम यू। किम की बहन नहीं पहन सकती जीन्स। उत्तर कोरिया में जीन्स पहनने पर है पाबंदी। उत्तर कोरिया में नियमों के मुताबिक महिलाओं को जीन्स या फिर टाइट फिटिंग वाली पैंट पहनना पाबंदी है। अपने देश में लागू इस नियम का किम जोंग की बहन भी कड़ाई से पालन करती है। ज्यादा प्रोफेशनली दिखने के लिए किम यू जोंग को स्कर्ट और उसके साथ जैकेट पहनना होता है। इन कपड़ों में अक्सर ही उन्हें देखा जा सकता है, फिर चाहे वो भाई के साथ नॉर्थ कोरिया में कहीं दिखाई दें या फिर विदेश में किसी बैठक में। उनके कपड़े हमेशा स्कर्ट, ब्लाउज और जैकेट ही होते हैं। इतना ही नहीं, किम यू जोंग के स्कर्ट, सैंडल की हील और कपड़ों के कलर का भी ध्यान रखना होता है। उत्तर कोरिया में जो नियम बाकी महिलाओं के लिए हैं, उन्हीं नियमों के हिसाब से किम यू जोंग अपना स्टाइल रखती हैं। किम यू जोंग को कभी भी ब्राइट कलर के कपड़ों में नहीं देखा जाता है। वो ज्यादातर ब्लैक या ग्रे ब्लेजर एंड स्कर्ट में ही नजर आती हैं। इसके साथ वो ब्लैक या फिर व्हाइट ब्लाउज को पहनती हैं। इसके अलावा उन्हें किसी अन्य कलर में काफी कम देखा गया है। किम जोंग उनकी दक्षिण कोरिया की यात्रा के दौरान उन्हें जरूर व्हाइट जैकेट में देखा गया था। इसके पहले 2018 में भी वो विंटर ओलंपिक में शामिल होने के लिए दक्षिण कोरिया गई थी। वहां पर भी उन्हें ब्लैक कपड़ों में ही देखा गया था। 2018 में जब किम यू जोंग दक्षिण कोरिया में विंटर ओलंपिक में शामिल हुई थी तो पूरी दुनिया की मीडिया के कैमरे उन पर ही फोकस थे। यू जोंग बला की खूबसूरत तो है ही, लेकिन जिस तरह से वे अपने देश के नियमों को कड़ाई से फॉलो करती है उससे उनमें उत्तर कोरिया का शासक बनने की पूरी काबिलियत दिखाई देती है। बात
जन्मी किम यो जोंग नॉर्थ कोरिया के पूर्व तानाशाह किम जोंग इल की पांचवी और सबसे छोटी बेटी है। 9 साल की उम्र में वो अपनी प्राइमरी शिक्षा पूरी करने के लिए स्विट्जरलैंड के बर्न शहर गई, जहाँ से किम जोंग ने भी अपनी पढ़ाई की है। उस समय वो अपने बड़े भाई किम जोंग उनके साथ रहती थी। साल 2002 में वो अपने देश लौट आई और 2007 में उन्होंने प्योंगयांग के किम इल सुंग यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस की डिग्री हासिल की। लेकिन जब किम जोंग ने गलती संभाली तो उसके कुछ साल बाद उनकी बहन पर नजर लग गई। धीरे धीरे वो किम के साथ राजनीति काम शुरू हो गया। राजनीति में आने के बाद से हर बड़े मौके पर वो अपने भाई किम जोंग के साथ गलती से कंधा मिलाकर चलती थी। फिर चाहे किम जोंग के रक्षक हो या का राष्ट्रपति के साथ मुलाकात का कार्यक्रम या फिर अमेरिकी राष्ट्रपति चौधरी के साथ, हर मौके पर वो किम जोंग के साथ। 2011 में अपने पिता की मौत का जाती है। साल 2018 में विंटर ओलंपिक्स खेलों में किम यो जोंग ने अपने भाई की जगह पर नॉर्थ कोरिया का नेतृत्व किया था। इसके बाद उनकी सत्तारूढ़ पार्टी में हैसियत और भी बढ़ गई थी। इसकी वजह यह है कि किम जोंग उन को अपनी बहन पर पूरा भरोसा है। किम जोंग उन जिस तरह से 20 दिन के लिए गायब हुए थे उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि उनकी मौत हो गई और इस समय फिर से एक बार किम